किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है, बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक शेरनी भेड़ों के झुंड का शिकार कर रही थी। वह गर्भवती थी और जब वह झुंड पर झपटी तो उसने एक शेर के बच्चे को जन्म दिया और उसकी थकावट के कारण उसकी क्या है मृत्यु हो गई। शेर के बच्चे को भेड़ों ने घेर रखा था जिन्होंने उसका पालन पोषण किया। शेर का बच्चा भेड़ों की तरह मिमियाता हुआ बड़ा हुआ, घास खाता था और भेड़ों के साथ खेलता था। समय बीतता गया, वह एक विशाल शेर बन गया, लेकिन फिर भी वह खुद को भेड़ ही समझता था। एक दिन एक बड़ा बूढ़ा शेर शिकार कर रहा था और उसने भेड़ों के झुंड को देखा। बूढ़ा शेर उन पर हमला करने ही वाला था कि उसने उनके बीच एक बहुत बड़ा जवान शेर देखा। उसने उसे घास खाते हुए और भेड़ की तरह मिमियाते हुए देखा और वह हैरान रह गया। बड़े शेर ने छोटे शेर का पीछा किया और उसे और उसके पीछे भागा। भेड़े डरकर मिमियाती हुई भाग गई और छोटे शेर ने भी वैसा ही किया। बड़े शेर ने उसका पीछा किया और उस पर झपट पड़ा। वह उसे भेड़ों के झुंड से थोड़ा दूर खींच करके ले गया। उसने छोटे शेर से पूछा कि वह मूर्ख भेड़ की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है। वह उसे पानी के कुंड में खींचता है और उसे दिखाता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। मैं एक शेर हूँ इसलिए तुम्हें भी शेर होना चाहिए। कुछ समय के बाद छोटा शेर था वो शांत हो गया और उसे एहसास हुआ कि वह बड़ा शेर जैसा दिखता है। इस कहानी में बहुत ही डीप मैसेज निकल करके सामने आता है। अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोलकर बैठा दी गई। आप जैसा बनना चाहते हो वैसे ही लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने वाले लोगों के साथ रहिए। अमीर बनना चाहते हो तो अमीर लोगों के साथ रहिए। जैसी संगत वैसी रंगत। अपनी ताकत को पहचाने, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको सक्सेस की राह से भटका नहीं सकता।